ताजरा टिकटॉकर आयशा अकरम को दौरान ड्यूटी दो बार नोटिसेस क्यों जारी हुए? मीनारे पाकिस्तान पर हराजगी का निशाना बनने वाली टिकटॉकर आयशा अकरम कौन है, क्या करती हैं? इस हवाले से अहम इंकशाफात सामने आए हैं। राजधानी का शिकार होने वाली खातून आयशा अकरम पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की स्टाफ नर्स हैं। वो PIC की इमरजेंसी में बतौर स्टाफ नर्स काम करती हैं। आयशा अकरम दौरान ड्यूटी भी टिकटॉक वीडियोस बनाती थी, जिस पर अस्पताल इंतजामिया ने उन्हें मुतअद्दिद बार तंबीह की। आयशा अकरम की अस्पताल में ड्यूटी के दौरान टिकटॉक बनाने की वीडियोस भी वायरल हो चुकी हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक आयशा अकरम को दौरान ड्यूटी मोबाइल इस्तेमाल करने पर दो बार नोटिस भी जारी हो चुका है, जबकि मुतअद्दिद बार उन्हें इमरजेंसी राउंड पर आए डॉक्टर्स और अस्पताल अहदेदारान की जानिब से ज़बानी तौर पर वार्निंग दी गई है। ज़राए के मुताबिक आयशा अकरम के मरीजों पर तवज्जो ना देने और टिकटॉक पर मसरूफ रहने की वजह से कई दफ़ा मरीजों के लवाहिकीन से झगड़े की नौबत भी आई और मरीजों के लवाहिकीन ने अस्पताल इंतजामिया को भी आयशा अकरम के रवैये की शिकायत की। कई टिकटॉक वीडियोस आयशा अकरम ने PIC में नर्स की यूनिफॉर्म में और दौरान ड्यूटी भी बनाई। ये भी मालूम हुआ है कि आयशा अकरम 3 साल कबल कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में बतौर नर्स मुलाजिम थी, जहां से सिफारिश पर उसका PIC में तबादला हुआ।